हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हेल्प आइडिया स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के मैथ से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आपको समझ में कभी नहीं आया है तो आपको ये वीडियो में गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ध्यान रहे दो संख्या है, क्या है, दो संख्या है, वो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, वर्गों मतलब दोनों का स्क्वायर करके और अंतर, अंतर मतलब घटाओ, है ना। अंतर जो है से कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग और इसमें से जो दो संख्या है, इसमें से छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, इसका वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है से बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है, ठीक है, ध्यान है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, दोनों संख्या जिसमें है ये संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, है ना, सिर्फ इसका अंतर दिया हुआ है और तुलना करके बताया कि ये जो है से कितना है, इसका वर्गों के अंतर जो है से बड़ी संख्या, ये इसकी क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है से बड़ी संख्या का 8 गुना है, लेकिन इसमें संख्या कोई भी दिया हुआ नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल में जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, माना कि बड़ी संख्या मानेंगे, कौन संख्या मानेंगे, बड़ी संख्या मानेंगे, बड़ी संख्या इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें तुलना करने में आसानी होगी, ठीक है। तो माना कि बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या जो है से क्या मानेंगे, यहाँ पे हमें मानना होगा कि बड़ी संख्या बराबर x, क्या बड़ी संख्या बराबर x, और ध्यान रहे अब आगे कह रहा कि बड़ी संख्या जो है से छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी यहाँ पे जो है से क्या है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग जो है से बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है वही कह रहा ना, और जो कह रहा है वही हम लोग इसके अनुसार लिख रहे हैं, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग जो है से कितना आ जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, किसके बराबर, तो बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या है 8 और इसका x और इसका जो है से कितना है 8 गुना, 8 गुना का मतलब 8x, कोई दिक्कत, आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये जो है से बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का वर्ग जो है स्क्वायर जो है वो यहाँ पे सिर्फ संख्या, और यहाँ पे इसका वर्ग बड़ी या छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग जो है से बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इतना दिया हुआ था, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है से प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है से कितना है, 180 है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का जो है से बड़ी संख्या का 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, बड़ी संख्याओं का वर्ग कर रहा है तो ये हो गया। अब माइनस छोटी संख्या के वर्ग जो है से दोनों का अंतर 180 के बराबर है, तो बड़ी संख्या का वर्ग 1 स्क्वायर हो गया और यहाँ छोटी संख्या का वर्ग ही माने हैं, तो आया है कितना 8x, तो इसको डायरेक्ट हम बड़ी ये छोटी संख्या का वर्ग की जगह पर कितना लिख दिए 8x। अब ये दोनों का अंतर कितना है 180 है, ठीक है। अब हमारा ये जो है इक्वेशन बनके तैयार है, हमारा ये इक्वेशन बनके तैयार है, तो अब हमें निकालने में आसानी होगी कि किस प्रकार से हम लोग ये जो है से इसको क्या करेंगे, हम लोग अब बताएंगे कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिए, अब इसको सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से सबको क्या करना है, 8x हो गया और इधर प्लस में तो इधर क्या आएगा माइनस में, है ना, इक्वल टू 0। अब इसे आप किसी भी मेथड का यूज करके और गुणनखंड ज्ञात करके और x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान जो है से हो जाएगा, संख्या निकल जाएगा इसका, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग इसको में क्या करेंगे, गुणनखंड विधि यूज करेंगे। कौन मेथड यूज करते हैं? गुणनखंड। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है से इसको और इसको गुणनखंड करने के लिए आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप उसे हमारे चैनल पे जा करके और वहां से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो है से सबसे पहले इसका और इसका गुना किया जाता था, है ना। तो 180 है तो 180 का गुणनखंड कीजिएगा अगर, तो अगर करते जाइए, ठीक है। इसको देखिए हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसको जो है से 1 स्क्वायर और 8 है, ठीक है। कितना है यहाँ पे, 8 x, तो इसको कितना हम लोग कर सकते हैं, तो 10 और 18 कर सकते हैं। कितना, 10 और 18, यहाँ पे 10 x और 18 x कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, इसको और इसको यहाँ पे गुना करने पे 180 आ रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पे कितना आएगा वो हमको लाना है 8 x, लेकिन माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है तो आपको पता होगा कि अगर माइनस में लाना है तो बड़ा वाले में माइनस और छोटे वाले में प्लस लगा दिया जाता है। अब माइनस 180 है तो 180 कर दिए, बराबर 0, ठीक है। अब जो है से क्या किया जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेना होगा, है ना। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन ले लिया जाएगा तो आएगा, इसमें से 1 x अगर कॉमन लिया जाता है तो आएगा 1 x, और इसमें से 10 x में से 1 x अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 बचेंगे। और ये दोनों में माइनस मिल रहे हैं, माइनस को ले लिया गया, और यहाँ पे 18 18 भी जो है से कॉमन मिल रही है, तो 18 भी कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ पे जो है से 1 माइनस, माइनस नहीं बल्कि प्लस, है ना, क्योंकि माइनस जो है से हम लोग कॉमन बाहर ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया गया तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा ओनली ऑन 10, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये जो है से इसका अब हम लोग को कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट में जो रहता है, ये दोनों जो ब्रैकेट में आता है सेम सेम मिल जाता है, तो इसी के बदले में, दोनों के बदले यहाँ पे एक लिख लिया जाता है, यानी x प्लस 10, ठीक है। और एक जो है ऐसे क्या है, x माइनस 18, यानी x माइनस 18 या जो कोष्ट के बराबर में, कोष के जो बाहर में बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, तो x माइनस 18 हो गया, अब बराबर में 0। अब क्या किया जाएगा यहाँ पे फाइनली, तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ बराबर और एक बार इसके साथ बराबर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है x प्लस 10 इक्वल टू कितना 0, और एक जो है यहाँ पे कितना x माइनस 18, x माइनस 18 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब ये जो है इसका x का मान निकल रहा है ना, यानी कितना हो गया, ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में, और एक जो है ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में, ठीक है। यानी x का मान निकला यहाँ पे -10 और एक निकला x का मान 18। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ऐसे क्या है माइनस में और ये प्लस में, तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर -18 है, और अगर ये माइनस में रहेगा तो कभी भी अंतर जो है इसको स्क्वायर भी कर देंगे तो ये यहाँ पे ये 180 नहीं आएगा अंतर, ठीक है, इसलिए ये नहीं लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे 18 लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या ही अगर हो जाए माइनस में तो छोटी संख्या किस प्रकार से ये जो है से अंतर आएगा, 180 नहीं आएगा, इसलिए क्या किया जाएगा यहाँ पे जो है से बड़ी संख्या को 18 ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बड़ी संख्या बराबर जो है से 18, और इसीलिए जो है से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या जो है से यहाँ पे हमें मिलेगी कितना, छोटी संख्या जो है से क्या है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो 8 x था, यानी 8 x का मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना। तो इसका वर्ग जो था से कितना था, यहाँ पे बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना किसके, बड़ी संख्या का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 144, और इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में, यानी छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या फाइनली में कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर 144, तो कितना आया 12। तो इससे हमें पता चला क्या है कि बड़ी संख्या यहाँ पे 18 और छोटी संख्या 12। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किए। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।